नमस्कार, आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे, उसमें हमने मेले और त्यौहार की शुरुआत की थी। हमने भारत के अंदर कौन कौन से कैलेंडर चलते हैं उनका अध्ययन किया। कैलेंडर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रीकोरियन, उसका अध्ययन कर लिया। उसके बाद शक संवत जो भारतीय कैलेंडर है, उसके बाद है विक्रम संवत जो हिंदुओं का कैलेंडर है, फिर आता है हिजरी संवत जो मुस्लिमों का कैलेंडर है। हमारे जो हिंदुओं के जो त्यौहार है विक्रम संवत के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार तिथि के अनुसार त्यौहार आते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। हमने त्यौहारों की शुरुआत कर दी थी, छोटी तीज के बारे में हमने पढ़ लिया था, और जो त्यौहारों की शुरुआत होती है वो छोटी तीज से ही होती है। चलिए पढ़ते हैं। छोटी तीज ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के तृतीया को आती है। जयपुर में तीज की सवारी निकलती है और बागों में झूले डाले जाते हैं। जो श्रावण मास की छोटी तीज होती है उसी दिन से त्यौहारों की शुरुआत मानी जाती है और बागों में झूले डाले जाते हैं। इसको हिंडोला तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाओं के द्वारा लहंगा पहना जाता है, लहंगे का ओढ़ना होता है, ओढ़ना भी जाता है या पहना जाता है। इसका इस दिन विशेष महत्व होता है, यानी श्रावण मास की छोटी तीज को लहंगे का विशेष महत्व होता है। ये है छोटी तीज। तीज से एक दिन पहले सिंधारे बनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? सिंधार। तीज से एक दिन पहले सिंधार। सिंधारे कब आते हैं? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। साल में दो बार सिंधारे आते हैं, एक तो गणगौर के पहले दिन जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को आता है, और सिंधारा आता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। यानी सिंधारा वर्ष में दो बार मनाए जाते हैं, एक तो आता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को, एक आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया गणगौर से पहले दिन। इस दिन क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी के बाद में जो पहले सिंधारे आते हैं तो उनके ससुराल से श्रृंगार सामग्री आती है, या जिनकी सगाई हो गई है उनके ससुराल से भी श्रृंगार सामग्री आती है। तो क्या होता है इस दिन, यानी जो सिंधारे होते हैं तो लड़कियों या महिलाओं के ससुराल से कुछ ना कुछ श्रृंगार सामग्री आती है। तो लड़कियों के ससुराल से श्रृंगार सामग्री आती है। ये तो होगी सिंधारी, लड़कियों के ससुराल से श्रृंगार सामग्री आती है। तो ये होगी सिंधारी। तीज से एक दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंधारे मनाए जाते हैं, ये हमारे त्यौहार हो गए। उसके बाद आता है रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद आता है रक्षाबंधन। कब मनाया जाता है, यानी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की जो श्रावण का महीना होता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में आप सब जानते हैं। इस दिन बहनों के द्वारा यानी लड़कियों के द्वारा अपने भाई के हाथ पर या कलाई पर राखी बांधी जाती है। उनसे राखी के बदले कुछ उपहार और कुछ राशि या कुछ ना कुछ उपहार लिया जाता है। तो इस दिन मनाई तो करती है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको वचन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वचन है पूर्णिमा, क्योंकि भाई है वो अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इसको सत्य पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसको नारियल पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं।
यही तो रक्षाबंधन है। श्रावण मास की पूर्णिमा को इसको वचन पूर्णिमा, भाई के द्वारा बहन की रक्षा का वचन दिया जाता है, सत्य पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, नारियल पूर्णिमा के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये होगी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन गोगा राग ये भी मान दी जाती है, गोगा हिंदू किसान होते हैं, इस दिन खेत में हल जोतना शुरुआत करते हैं, तो गोकुल जी के नाम की नौ गांठे अपने हल पर बांधते हैं कि ताकि उनकी खेती अच्छी हो, फसल अच्छी हो। तो इस दिन गोगा राग भी बांधते हैं। यानी गोगा राखी यानी हल के ऊपर गोगो जी के नाम की जो राखी है वो बांधी जाती है, इसमें कुल नौ गांठे लगाई जाती है। तो ये होगी अपनी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन आप जानते हैं, इस दिन बहन के द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है और भाई उसको रक्षा का वचन देता है, उसके बदले कुछ उपहार लिया जाता है। तो ये होगी हमारी रक्षाबंधन। एक आपको इतना याद रखना है, रक्षाबंधन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को वचन पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो किसान लोग होते हैं वो हल पर गोगा राखड़ी भी बांधते हैं, उसमें नौ गांठे लगाई जाती है। फिर आगे चलते हैं। अब श्रावण मास का जो महीना है वो हो गया है पूरा। श्रावण मास के बाद जो महीना आता है वो आता है भाद्रपद। भाद्रपद के बाद पूर्णिमा के बाद आता है कृष्ण पक्ष। कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। उसके बाद छोटी तीज होगी, रक्षाबंधन होगी, उसके बाद आता है बड़ी तीज। बड़ी तीज इसको उपकुल की तीज भी कहते हैं। बुढ़ी तीज भी कहते हैं, सातोड़ी तीज भी कहते हैं। सातोड़ी तीज इसको कजली तीज भी कहते हैं। यानी बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज ये मनाई कब जाती है? भाद्रपद पक्ष की तृतीया। तीज का मतलब तृतीया और भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को ये तीज मनाई जाती है। इसका एक तो बड़ी तीज है, बुढ़ी तीज के नाम से जानी जाती है, सातुरी तीज यानी इस दिन बेसन से जो गोल गोल वैसे बनाए जाते हैं सातु, बेसन से बनाए जाते हैं और उसका भोग यानी खाया जाता है। कतली तीज इस दिन कजली तीज की सवारी निकलती है, वो बुंदी जिले में कजली तीज की सवारी है, वो बुंदी जिले में निकलती है। बुंदी जिले में निकलती है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? बड़ी तीज, इसी का नाम बुढ़ी तीज, इसी का नाम सातुरी तीज, इसी का नाम कजली तीज। मनाई कब जाती है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये मनाई जाती है। ये हो गई हमारी कजली तीज। इस दिन है जो कजली तीज की सवारी है बुंदी जिले में निकलती है। ये होगी हमारी बड़ी तीज। बड़ी तीज के बाद आती है ऊज, यानी चतुर्थी की छुट्टी और पंचमी की छुट्टी, इस दिन कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद आती है ऊज। ऊब यानी खड़ा रहना, इसको हलचल के नाम से भी जानते हैं। मनाई कब जाती है?
महीना पंचम चल रहा था भाद्रपद, भाद्रपद की कृष्ण तृतीय हमने मना ली, चतुर्थी पंचमी की छुट्टी हो गई, तो ये महीना भी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष, तो ये षष्ठी को मनाई जाती है। इन जो कुंभ छठ है इसको हर छठ के नाम से भी जाने जाती है, जाना जाता है, और ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाओं या लड़कियों के द्वारा खड़ी रहकर व्रत किया जाता है ताकि उनको अच्छा पति मिले, उसके लिए ये व्रत रखा जाता है। तो महिलाओं द्वारा उब यानी खड़ी रहकर, खड़ी रहकर व्रत रखा जाता है। अब उब छठोगे यानी महिलाओं के द्वारा खड़ी रहकर व्रत रखा जाता है, सूर्य अस्त होती है, उसके बाद महिलाएं बैठती रही है, इधर उधर घूमती रहती है, अपना घर का कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, यानी क्या मतलब वो खड़ी रहती है, बैठ नहीं सकती। फिर उस दूसरा नाम है हल छठ, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उनकी जो अस्त्र था हल, तो इस दिन बलराम जी का जन्मदिन है। बलराम यानी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनका बलराम जी का जन्म दिवस है। यानी उपछठ या हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा खड़ी रहकर व्रत रखा जाता है, और इस दिन बलराम जी का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम दाऊद, उनका इस दिन जन्मदिन है। ये होगी हमारी उपछठ। इसके बाद सप्तमी को अवकाश रहेगा, और उसके बाद आती है अष्टमी, कौन सी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो आप जैसा कि जानते हैं जन्माष्टमी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? भाद्रपद महीना हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, और तिथि कौन सी हो गई? अष्टमी। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत भी रखा जाता है, और वो 12 बजे के बाद ही भगवान कृष्ण का जब जन्म हो जाता है उसके बाद में व्रत को तोड़ा जाता है, उनके बाद में कुछ न कुछ खाया जाता है, तो इस दिन व्रत भी रखा जाता है। व्रत भी रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत रखा जाता है, और मध्य रात्रि तक व्रत रखा जाता है, उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में भोजन या आहार लिया जाता है। इस दिन नाथ द्वार में श्री कृष्ण जी का मेला, राजस्थान के नाथद्वारा स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का मेला लगता है, यानी मेला लगता है। ये होगी हमारी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी आती है, उस दिन को आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, यानी भाद्रपद महीना हो गया, और शुक्ल पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की
अष्टमी तिथि को ये मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और व्रत भी रखा जाता है, मध्य रात्रि तक व्रत रखा जाता है, यानी 12 बजे के बाद में आप भोजन कर सकते हैं। और नाथद्वारा राजस्थान में नाथद्वारा में श्री कृष्ण जी का क्या लगता है, मेला लगता है। अब आगे अष्टमी, अष्टमी के बाद में आती है नवमी, अष्टमी के बाद में आती है नवमी, जिसको अपन गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। हमारे राजस्थान के लोक देवता है गोगो जी, उस दिन गोगो जी का जन्मदिन हुआ था, जन्म दिवस है पहले इस दिन गोगो जी का जन्म हुआ था। और गोगा नवमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी के एक दिन बाद। भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी जब कृष्ण जी का जन्मदिन मना लिया, अब हम मनाएंगे गोगो जी का जन्मदिन। तो इस दिन गोगा नवमी है और गोगो जी का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को था। ये राजस्थान के लोक देवता है, इसका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लौकर हनुमानगढ़ मेड़ी बनी हुई है। और इनका जो जन्म होता है वो दद्दीरेवा चोर के अंदर होता है, वहीं पे इनकी मेड़ी बनी हुई, जो शीर्ष मेड़ी है वो नौ हनुमानगढ़ के अंदर है, वहाँ पे इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। तो आपको याद रखना है गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौ हनुमानगढ़ के अंदर इनका मेला भरता है। ये राजस्थान के लोक देवता थे, इनको संतो लोक देवता यानी सांखों के देवता और गोरक्षक देवक के नाम से भी जानते हैं। नवमी आ गई, नवमी के बाद दसवीं और एकादशी का अवकाश रहेगा, फिर आता है बछवास, बछवास ये कब मनाई जाती है, ये नवमी आ गई, नवमी के बाद दसवीं और एकादशी का अवकाश है, फिर आगे बछवारस, बछवारस क्या होती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद, महीना भाद्रपद चल रहा है, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद बछवारस, बारस का मतलब द्वादशी, बछवारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, महिलाओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखा जाता है, महिलाओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, यानी बछवारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछवारस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा अपनी जो संतान होती है उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और मनाई जाती है। भाद्रपद जो महीना है और कृष्ण जो पक्ष है उसकी द्वादशी को ये बछवारस वो मनाई जाती है। अब बारस आ गई, बारस के बाद आती है त्रयोदशी, जिसको अपन तेरस के नाम से जानते हैं, उसका अवकाश रहेगा। फिर आता है चतुर्दशी, जिसको चौदस के नाम से जानते हैं, उसका भी अवकाश रहेगा। फिर आती है अमावस्या, चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष के बाद क्या आएगी, अमावस्या, इसको बोलते हैं सतिया, सती अमावस्या। क्या कहते हैं, सती अमावस्या कब मनाई जाती है, भाद्रपद महीना भाद्रपद चल रहा है,
भाद्रपद के अंदर हमने तीज मनाई, तीज के बाद हमने उपछठ कृष्ण जन्माष्टमी नवमी और पक्षपारस मना ली, उसके बाद भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या यानी सती, इस दिन जो राजस्थान के अंदर जो महिलाएं सती हुई थी उनके लिए ये सती अमावस्या के रूप में ये उनका याद करने के लिए सती अमावस्या मनाई जाती है। तो इस दिन जो भी राजस्थान महिला सती हुई थी उनके लिए सती अमावस्या मनाई जाती है। मनाई कब जाती है, महीना कौन सा है, भाद्रपद, और भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। अब ये सती क्या होती है, तो सती ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु होती है और महिला यानी पत्नी के द्वारा अपने पति की मृत्यु के साथ ही वो भी क्या हो जाती है, उनके साथ सती हो जाती है, यानी आग में जलकर जीवित ही मर जाती है। यानी जिनके पति की मृत्यु हो गई, जब पति को जलाया जाता है तो पत्नी भी उनके साथ में सती हो जाती है। वर्तमान में ये प्रथा बंद हो चुकी है, सती प्रथा बंद हो गई है। तो सती क्या होती है, अपने पति के साथ सती होना, यानी पति की जो पति को जब जलाया जाता है उसके साथ ही अपने आप को जला लेना, तो ये सती अमावस्या के रूप में। इस दिन झुंझुन में मंदिर बना है रानी सती, तो झुंझुन के रानी सती का मेला पड़ता है। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है। जो रानी सती थी वो भी अपने पति के साथ सती हुई थी, इसीलिए सती अमावस्या को झुंझुनू में जो रानी सती का मंदिर है वहां पे किसका मेला लगता है, रानी सती का मेला भरता है। कब भरता है, सती अमावस्या को, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को वहां पर मेला भरता है। अब एक तो होती है सती, एक होती है महासती, एक होती है पासती, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया, एक होता है साखा। जो सती होती है वो अपने पति के साथ सती होती है, यानी पति की मृत्यु के बाद वो पति के साथ जलकर मर जाती है। महासती होती है वो होती है पति की किसानी के साथ सती होती है। अपने राजस्थान के अंदर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जो जोधपुर के राजा थे मालदेव उनकी पत्नी थी रूठी रानी, उमादेव के नाम से प्रसिद्ध है वो, वह मालदेव की जो पगड़ी थी उसके साथ सती हुई थी। यानी सती जो अपने पति के साथ सती हो गई यानी जल के मृत्यु हो गई, महासती जो पति की निशानी के साथ सती होती है, होती है महासती जो कुमारी सती हो गई यानी जिसकी शादी भी नहीं हुई फिर भी वो सती हो गई, जीते जी किसी कारण से उनकी मार दिया जाता है। इनका नाम है गेवली देवी। महासती हुई थी वो तो हुई थी उमा देवी की रानी के नाम से, आसती गेवली माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो जब पहले युद्ध होते थे, युद्ध होने युद्ध के दौरान जब क्या होता था, जब जो दुश्मनी सेना है वो राजा पर आक्रमण करते थे, उसके बाद जो राजा हारने की कगार पर होता था तब महलों में संदेश भेज दिया जाता था कि जो राजा है वो हारने वाला है, जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, जोर करती थी, बड़ा सारा कुंड होता था उसमें अग्नि झलककर महिलाएं सारी की सारी उसमें कूद जाती थी, या जो पानी का स्थान होता है पानी में कूद कर या अग्नि कुंड में कूद कर अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी, उसे जोहर कहा जाता है। इन जो महिलाओं के द्वारा अपने आप पानी में कूद कर या अग्नि कुंड में कूद कर मृत्यु या मर जाना वो क्या कहलाता है, जोहर। केसरिया, केसरिया में जो पुरुष होते हैं वो युद्ध हारने के बाद में अपने आप जो मर जाते हैं
या अपना आप खुद का बलिदान यानी युद्ध में लड़ते हुए बलिदान दे देते हैं उसको कैसे कहते हैं, कैसे किया जाता है पुरुषों के द्वारा युद्ध में बच्चे हुए पुरुषों के द्वारा अपने आप मृत्यु या अग्नि कुंड में या पानी में कुंड कर मर जाते हैं उनको कैसे कहते हैं। साकार के अंदर जो जो करो कैसे यह दोनों होता है जिसमें महिला भी अग्नि कुंड में पानी में कुंड कर अपनी जान दे देती है प्राण का बलिदान दे देते हैं ताकि दुश्मन से बचा जा सके किसी अत्याचार से उनसे बचा जा सके। तो साका के अंदर महिला और पुरुष दोनों समाप्त हो जाते हैं उसको साका कहते हैं। राजस्थान के अंदर कुल 250 साका हुए, एक अधूरा रह गया था जिसमें केवल कैसरिया हुआ था लेकिन जोहर नहीं हो पाया था। तो ये होगी सती जो अपने पति के साथ सती होती है, महासती जो निशानी के साथ होती है, आसती जो गेवी माता है, जोहर जो महिलाएं युद्ध के दौरान या युद्ध के समाप्त होने के बाद जो महिलाएं बच जाती हैं वो सारी की सारी अपने आप जो कर लेती हैं या अग्नि कुंड या जल में कूद कर अपने प्राणों का बलिदान दे देती है। ये कैसे है में पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। साखा जिसमें महिला और पुरुष दोनों अपने आप को खत्म कर लेते हैं और प्राणों का बलिदान दे देते हैं ताकि शत्रुओं से अपने आप को बचाया जा सके। ये होगी स्त्री अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या भी भाद्रपद की अमावस्या के बाद आता है शुक्ल पक्ष। क्या आता है? शुक्ल पक्ष। इसके बाद आती है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद अमावस्या आ गई, अमावस्या के बाद आती है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद अमावस्या के बाद आता है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी जो होती है चतुर्थी होती है उस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जैसे कि नाम से पता चलता है गणेश भगवान गणेश, यानी कोई भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस दिन और क्या होता है, इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मदिवस है, गणेश जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस। इस दिन भगवान गणेश जी का क्या है, जन्म दिवस है। गणेश जी के बारे में सब जानते हैं, सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, इनकी माता का नाम पार्वती, पिताजी का नाम भोलेनाथ शिव शंकर, इनकी गुरु का नाम था वेदव्यास और इनकी पत्नी थी विद्धि और सिद्धि। और इनका जो मंदिर है यानी भगवान गणेश जी का मंदिर अपने राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर नामक स्थान पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना है। तो जो मंदिर है वो कहाँ पर है, रणथंभौर यानी रणभवन नाम से, यानी रणथंभौर या त्रिनेत्र मंदिर तो कहाँ पर है, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में, यानी रणथंभौर या जिसको अंतरी नेत्र के नाम से सवाई माधोपुर जिले में है, रणथंभौर नामक स्थान है सवाई माधोपुर जिले में। यानी जो गणेश जी का मंदिर है राजस्थान के अंदर, कहां की बात हो रही है, राजस्थान के अंदर जो गणेश जी का मंदिर है वो है रणथंभौर नामक स्थान पर है और जिला कौन सा है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर या त्रिनेत्र नाम का जो मंदिर है त्रिनेत्र। और इस दिन क्या होता है, इस दिन लड़कों के सिंधारे भी मनाए जाते हैं, यानी गणेश चतुर्थी के दिन लड़कों के सिंधारे भी मनाए जाते हैं। लड़कियों के सिंधारे आते हैं वो छोटी टीज के एक दिन पहले और गणगौर के एक दिन पहले। तो लड़कों के सिंधारे गणेश चतुर्थी को
लड़कों के सिंदर मनाए जाते हैं। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और इस दिन क्या होता है, यानी तो गणेश जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है और चतुर्दशी को जो गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है, चतुर्दशी को गणेश जी की जो मूर्ति या प्रतिमा बनाई जाती है वो जलाशय के अंदर विसर्जित की जाती है। चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा जलाशय में निकाला में विसर्जित की जाती है। गणेश चतुर्थी होती है वो चतुर्दशी को, यानी चतुर्दशी के दिन कब, भाद्रपद चतुर्दशी को कृष्ण गणेश जी की जो प्रतिमा है वो जलाशय में विसर्जित की जाती है। विसर्जित की जाती है। यह त्योहार चलता है 11 दिन, शुरू कब होता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से चतुर्थी से चतुर्दशी तक, यानी चौथ से चतुर्दशी तक चलता है यह त्योहार है 11 दिनों का। यह त्योहार 11 दिनों का है, 11 दिनों का त्योहार है। शुरू कब होता है, भाद्रपद शुक्ल चौथ को या चतुर्थी को, और इसकी जो मूर्ति बनाई जाती है गणेश जी की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो चतुर्दशी को जलाशय में विसर्जित कर दी जाती है। तो देखो गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है, इस दिन भगवान श्री सॉरी भगवान गणेश जी का जन्म दिवस है। मंदिर है वो रणथंभौर या त्रिनेत्र जो मंदिर है वो अपने राजस्थान के अंदर रणथंभौर नामक जो सवाई माधोपुर में वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक आते हैं नाचना गणेश, नाचना गणेश, नाचना जो गणेश मंदिर को बना हुआ है अलवर के अंदर। एक बाजना गणेश है, एक तो है नाचना गणेश बाजना गणेश, यानी रणथंभौर और त्रिनेत्र मंदिर को तो बना हुआ है रणथंभौर के अंदर, नाचना गणेश सब अलवर के अंदर, बाजना गणेश सब है सिरोही के अंदर, बाजना जो गणेश सब है सिरोही के अंदर। एक आता है सिंह पर सवार गणेश जी, वो है अपने बीकानेर जिले के अंदर सिंह पर सवार गणेश मंदिर वो है, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। तो देखो एक तो नाचना गणेश है वो तो है अलवर के अंदर, बाजना गणेश है सिरोही जिले में, कहाँ पर है, सिरोही जिले में। एक सिंह पर सवार गणेश जी का जो मंदिर है, यानी जिस प्रतिमा पर गणेश जी उसी पर सवार है वो है बीकानेर के अंदर। एक है घोड़ा गणेश के नाम से, कौन सा, घोड़ा गणेश वो है अजमेर के अंदर। तो देखो घोड़ा जो गणेश है वो तो है अजमेर के अंदर, नाचना जो गणेश है वो अलवर के अंदर, बाजना जो गणेश है वो सिरोही के अंदर, और सीएम सवार गणेश जी का जो प्रतिमा है मंदिर है वो बीकानेर के अंदर, और चतुर्दशी को गणेश जी की जो प्रतिमा है वो जलाशय में विसर्जित कर दी जाती है। मुख्यतः यह त्यौहार 11 दिनों का त्यौहार है। इस दिन बच्चों के भी यदि लड़के होते हैं उनके सिंदारे भी मनाए जाते हैं। ये अपनी होगी गणेश चतुर्थी, कब मनाई जाती है,
धातु पद शुक्ल चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक मनाई जाती है। इसके बाद आती है पंचमी चतुर्थी, यानी गणेश चतुर्थी हमने मना ली। इसके बाद आती है पंचमी, इसको जानते हैं ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं, ऋषि पंचमी। यानी गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्मदिन हमने मना लिया। अब आगे चलते हैं ऋषि पंचमी। इस दिन ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन क्या क्या होता है? ऋषि मुनियों की पूजा होती है, ऋषि मुनियों की पूजा होती है। इसी नाम ही ऋषि पंचमी है। पंचमी के दिन मनाई जाती है, महीना है भाद्रपद और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है, ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या होता है? जो महेश्वरी समाज होता है वो इस दिन अपने रक्षाबंधन मनाता है। अपन जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, लेकिन जो महेश्वरी समाज होता है, महेश्वरी समाज के लोग इस दिन कब? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। महेश्वरी समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि मुनियों की पूजा होती है, इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार है वो मनाते हैं। तो ये हमारी हो गई ऋषि पंचमी का त्योहार, पंचमी हो गई। पंचमी को मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद। उसके बाद हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मना लिया, बलराम जी का जन्मदिन मना लिया। अब बलराम जी के जन्मदिन के बाद आता है राधा जी का जन्मदिन, इसको बोलते हैं राधा अष्टमी। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, षष्ठी और सप्तमी की छुट्टी हो गई, तो मनाएंगे भाद्रपद महीना, पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो सीधी यहाँ पे क्या नाम है? राधा जी। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, राधा अष्टमी के दिन माता राधा का जन्म हुआ था, तो राधा जी का जन्म दिवस है। इस दिन राधा जी का क्या है? जन्म दिवस। इस दिन राधा जी का क्या है? जन्म दिवस है। एक चीज दूसरी, सलेमाबाद के अंदर राधा जी का मिलाप होता है, राधा जी का मेला भरता है, सलेमाबाद के अंदर राधा जी का मेला भरता है, मेला भरता है। अब अष्टमी आ गई, अष्टमी क्या थी? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के नाम से पता चल रहा है कि राधा जी का जन्मदिन है। कब है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। राधा जी का जन्मदिन मना लिया।
इस दिन राजा जी का जन्मदिन है और सलीमाबाद के अंदर राजा जी का मेला भरता है। फिर नवमी को अवकाश रहेगा, फिर आती है दसवीं, दसवीं को तेजा दशमी, तेजा दशमी। तेजा दशमी जो तेजा जी हमारे जो राजस्थान के जो लोक देवता है उनका मेला होता है, यही तो मनाया जाता है। महीना कौन सा चल रहा था? भाद्रपद। और पक्ष कौन सा चल रहा था? शुक्र अष्टमी। राधा अष्टमी मना ली, राधा अष्टमी के बाद तेजा दशमी। तो ये आगे तेजा दशमी, इस दिन तेजा जी का क्या है? जन्म दिवस है। और पर्वत सर नागौर के मेला पड़ता है। पर्वत सर नागौर के अंदर मेला पड़ता है। पर्वत सर है वो नागौर जिले के अंदर है और पशु मेला पड़ता है और राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वत सर नागौर के अंदर तेजा दशमी का जो मेला है वो भरता है। अब आगे दसवीं, दसवीं के बाद आता है एकादशी। कौन सी आती है? एकादशी, इसको बोलते हैं जल झूलनी एकादशी। कब मनाई जाती है? अभी अभी भाद्रपद दसवीं मनाई है। भाद्रपद शुक्ल दसवीं, इसमें तेजा जी का जन्मदिन था। पर्वत सर नागौर के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है तेजा जी के नाम से और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी जल झूलनी एकादशी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी देवता है उन सभी को जो पवित्र जलाशय है होते हैं उनमें स्नान करवाया जाता है, यानी जल झूलनी एकादशी आती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी ग्यारस को, जिसको मारवाड़ी में ग्यारस को बोलते हैं, इस दिन पवित्र जलाशय में सभी देवताओं को क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है। इस दिन सभी देवताओं, इस दिन सभी देवताओं को पवित्र जलाशय में स्नान करवाया जाता है। यानी जो जल झूलनी एकादशी है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी आती है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवताओं को जो पवित्र जलाशय होते हैं उनमें क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है। फिर आती है एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, उसके बाद आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसको पंचोदश के नाम से भी जानते हैं, चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा होती है। इस दिन भगवान अनंत की क्या होती है?
पूजा होती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी भाद्र चतुर्दशी को मनाई जाती है। भाद्रपद चतुर्दशी यानी 14 को मनाई जाती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा होती है। इस दिन पुरुषों द्वारा इस दिन पुरुषों यानी व्रत होते हैं, ज्यादातर महिलाएं रखती है, लेकिन ये व्रत होता है वो पुरुषों का होता है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये व्रत पुरुषों द्वारा रखा जाता है। कब रखा जाता है? अनंत चतुर्दशी को। इस दिन भगवान अनंत की पूजा भी होती है। पुरुषों द्वारा अपनी शक्ति वृद्धि करने के लिए व्रत रखा जाता है। पुरुषों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए व्रत रखा जाता है। अपनी कौन सी हो गई? अनंत चतुर्दशी हो गई। चतुर्दशी का नाम पता है चौदस, भाद्रपद शुक्ल चौदस को ही मनाया जाता है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा होती है और इस दिन पुरुषों के द्वारा अपनी शक्ति या सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये हो गया अपना भाद्रपद जो महीना है वो लगभग समाप्त होने वाला है। चतुर्दशी आ गई। चतुर्दशी के बाद आती है भाद्रपद पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने बीच में दो त्यौहार छोड़ दिए। एक बार की बाबाली बीज, बाबाली बीज ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन जो हमारे लोक देवता है रामदेव जी, उनका जो मेला बढ़ता है रामदेव जैसलमेर के अंदर, इस मेले की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से होती है। बाबाई बीज शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, एक हमने छोड़ दिया था हर तालिका बीज। हर तालिका बीज, हर तालिका बीज, हर तालिका बीज के दिन क्या मनाई जाती है? भाद्रपद पद शुक्ल तृतीया, यानी हरतालिका बीज है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो व्रत रखती है कि उनको अच्छा पति मिले, यानी उनको भगवान शिव जैसा पति मिले, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान, ये व्रत है जो पार्वती जी द्वारा, पार्वती जी द्वारा व्रत रखा जाता था। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी व्रत रखती थी। पार्वती जी द्वारा व्रत रखा जाता था, यानी पार्वती जी थी वो भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत रखती थी। कब रखती थी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, यानी पार्वती जी द्वारा ये व्रत रखा जाता था। तो उन्होंने तो भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में ये व्रत वो लड़कियां रखती है ताकि उनको शिव जैसा पति मिले। अब मिलता क्या था? मिलता कैसा है वो उनकी किस्मत की बात है। तो ये हमारा जो त्यौहार है भाद्रपद का महीना वो पूरा हो गया और भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अब उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।